मेरा नाम ऋचा पांडे है। कहाँ की रहने वाली है, क्या मामला है? मैं ग्राम पोस्ट पचराव जिला वाराणसी की निवासी हूँ। क्या मामला है आज जिलाधिकारी के यहाँ? जिलाधिकारी के यहाँ मैं सर इसलिए आई हूँ कि ग्राम प्रधान द्वारा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि ग्राम प्रधान फूलचंद कुमार जी हैं, पचराव ग्राम प्रधान हैं वहाँ पे, उन्होंने पट्टे की जमीन को अनलीगल तरीके से और दूसरे दूसरे गांव से लोगों को पैसे लेकर पट्टे की जमीन को बेचा। मुझे भी इसी तरीके से उन्होंने 2,50,000 में जमीन बेच दिया। अब बेचने के बाद वो आज मेरे नहीं रहने पे मेरे पूरा बाउंड्री पे कई लोगों पे बुलडोजर चलवा दिए। मेरा कहना यह है कि ग्राम प्रधान ने यह है कि ग्राम प्रधान बोला कि मैं विधवा लड़की हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, उसने कहा कि आप पैसा दीजिए, मैं पट्टी की ज़मीन आपको मैं दे दे रहा हूँ, इस पर आप घर बनवा करके निश्चिंतता से आप और अपनी बेटी जीवन यापन कीजिए, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैंने उसके कहने पे मैंने पैसे दे दिए, और पैसे देने के बाद मैंने कुछ पैसे अकाउंट में, कुछ पैसे मैंने कैश, कुछ पैसे मैंने उनको खिलाओ पिलाओ जहाँ जहाँ उन्होंने कहा, जिस जिस अधिकारियों को मैंने खिलाया पिलाया, लेकिन उन्होंने मैं जब उनको 2.5 लाख रुपया उनके ऊपर खर्चा करने के बाद मैं सर जब बाउंड्री कराने गई वहाँ पे, तो मेरी बाउंड्री इतनी होने के बाद 7 रद्दा 8 रद्दा ऊपर उठने के बाद ग्राम प्रधान आके बाउंड्री लेखपाल को लेकर के रोक दिया। उसका कहा नाम था लेखपाल आया, प्रधान आया तो बोला कि ये किससे ये बाउंड्री, ये मकान यहाँ पे तभी बनवा सकती हैं आप जब सुनील लेखपाल को 50,000 रुपया देंगी। मैंने कहा कि सर मैं गरीब विधवा महिला हूँ, मैं डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स में एम्प्लॉय जॉब करके कैसे कैसे अपना जीवन यापन करके 15 साल से नौकरी करके मैंने पैसे इकट्ठे करके मैंने कैसे कैसे आप मेरे पास मैं नहीं दे पाऊँगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रेस्टोरेंट में 12 साल से खाना बनाने काम कर रही हूँ। तो उसने क्या कहा कि तो नहीं, अगर पैसे अगर सुनील यादव लेखपाल को अगर पैसे नहीं देंगे तो यहाँ पे आप मकान नहीं बनवा सकती हैं। तो मैं यह बात में किशोर कलाल, अभी उनका रिटायर हो गया, शिवपुर तहसील में बैठते थे, वहाँ पे मैं उनके पास गई। जब उनके पास कलाल सर के पास गई, एडीएम साहब के पास, तो एडीएम साहब ने वहाँ से आदेश किया थाने को कि इस लड़की का कैसे भी करके हेल्प कीजिए, चाहे इसका पैसा दिलवाइए या इसको जैसे भी यहाँ कहीं बसाइए। तो उसने क्या कहा, तो मैं उस कागज को लेकर के मैं जो एसडीएम साहब लिखित दिए मुझे थाने भेजे, मैं उनके कहने पर मैं थाने पे आई, फूलचंद को पकड़ के लाया गया, प्रधान को फूलचंद आया, तो उसने मेरा या मैं उस समय और एसडीएम साहब के कहने पे यह मेरा एफआईआर की कॉपी, मेरा एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद फूलचंद लाया गया, लाने के बाद फूलचंद को, तो फूलचंद बोला कि साहब मैं इनको घर बनवाने का आदेश देता हूँ, ये ज़मीन पे घर बनवा के रह सकती हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि और मेरे साथ फूलचंद प्रधान द्वारा उसके रिश्तेदार द्वारा मेरे साथ छेड़खानी किया। अभी किसने तोड़ा है ये? अभी फूलचंद प्रधान द्वारा मेरा मकान, मेरा पूरा बाउंड्री, मेरे मैं 10 तारीख को मैं घर पे नहीं थी, मेरा बाउंड्री तोड़ दिया गया। एसडीएम के कहने पे एफआईआर भी दर्ज हुई थी, एसडीएम साहब के कहने पे एफआईआर दर्ज हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने मकान तोड़ दिया। उसके बाद यशो साहब के कहने पे कि यशो राजेश त्रिपाठी जी ने कहा कि बेटा जाओ मकान बनवाओ, और जब यह कह रहा है तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है ग्राम प्रधान, तो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा, तुम आराम से बेटा गरीब विधवा महिला वहाँ अपनी बेटी को लेकर आराम से घर में रहो। आज मैं डीएम सर से अपना जो मेरा बाउंड्री तोड़ा गया है इसके आवेश में, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जो मेरे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी ग्राम प्रधान ने किया, इस अपेक्षा में मैं एक उम्मीद के साथ ये लास्ट डीएम सर के पास आई हूँ। अगर यहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम हमारी बेटी आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अब मेरे पास जीने का कोई आश्रय नहीं रहा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।